ये वाला गेट बिल्कुल बंद होने की कंडीशन में था और लोग इधर से कूद कूद के अंदर जाते थे, अंदर गंदगी करना और ये करके। तो हमने एक तो वॉल ऊपर करवा और ये गेट चेंज करवा दिया हमने। ये करने के बाद एंगल लगाकर इसको फेंसिंग करवा दी पूरी। तो फेंसिंग से क्या है कि अब ये पूरा सिक्योरिटी का हमारा हो गया कि भाई कोई भी अब अनऑथराइज तरीके से जा नहीं सकता। स्मोकिंग जोन है गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो भी बनवाए। यूथ और इको क्लब जो है उसके बारे में मैं आपको अंदर भी बताऊंगा। उसमें पूरे स्कूल के बच्चों को 5 हाउसेज में हमने डिवाइड किया है। अच्छा, वो पंच जो तत्व है उन पर है, 5 एलिमेंट्स पर। वो अंदर मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। ये डिपार्टमेंट के जो अभी 2 साल में जो सरकार के जो अच्छे काम हुए हैं और कोरोना से रिलेटेड बैनर है तो उसके हैं, उनको भी लगवा दिया। और ये 3 लोग हमने इस पर रखे हैं पिलर्स पे। एक तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आदर्श विद्यालय और स्वच्छ भारत। तो ये 3 मोटिव हैं स्कूल के भी कि ये विद्यालय जो है उसको आदर्श विद्यालय में कन्वर्ट करना, उसको डेवलप करना। बेटी बचाओ या कि बच्चियों की संख्या ज़्यादा है उनके लिए भी, और स्वच्छ भारत, स्वच्छता सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी बड़े के लिए, ये भी है। ये जो एरिया देख रहे हो विनोद जी, ये वाला जो था ये पूरा का पूरा मिट्टी थी इधर, मतलब इसमें एक तरीके से इससे गंदगी भी अंदर जाती थी क्लास रूम से। तो इसको हमने प्रधान जी जो थे पूर्व प्रधान मुरारी जी के सहयोग से हमने इसको पक्का करवाया, टाइल्स का सहयोग उन्होंने दिया तो ये कंप्लीट करवाए। इसके अलावा इस साल हमने ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा पैसे हुए हैं, तो ये हैंडपम्प में बच्चे पानी पी रहे थे, पानी पीने योग्य पानी नहीं है, बच्चे बाहर जाकर पानी पी रहे थे और इसी के कारण लोग आते भी थे यहाँ पर से जो आसपास के लोग ले जाते हैं। तो वाटर कनेक्शन लिया हमने नल का और ये वाटर बॉडी पूरी तैयार करवाई है जिसमें बच्चे नल का ताज़ा पानी जो है वो पी सकते हैं। तो ये करके ये जैसे ये MDM चलता है बच्चों में, तो ये खाना जो खाते हैं ना उसके बाद बर्तन वगैरह वो यहाँ रखेंगे, बर्तन यहीं पर इसका वॉशिंग हो जाएगा। ये जो है छोटे बच्चों के लिए पानी पीने का। अच्छा, क्योंकि छोटे बच्चों के हाइट का भी हमने ध्यान रखा है, ये नहीं क्योंकि बड़ी दिक्कत होती है, छोटे बच्चों के लिए है, ये बड़े बच्चों के लिए है, इधर पानी पीने का है। बच्चों के लिए क्या है कि टॉयलेट नहीं था तो इनके लिए पूरा सेफ्टी के साथ हमने एक और ये इशू था, ये जो जगह है ना जिसको आप देखो ये जगह पूरी की पूरी लड़के जो थे बॉयज वो इधर टॉयलेट करते थे इस पेड़ के पीछे, जबकि यहाँ पर एक टॉयलेट था तो उनको हिचक थी। तो हमने ये प्लान किया कि जब बच्चों की आदत को हम नहीं बदल पा रहे हैं तो इस जगह को हम यूटिलाइज करते हैं, यूरिनल्स बनवा देते हैं। तो यहाँ पर इनके लिए अब 4 यूरिनल्स हमने बनवा दिए हैं हर बच्चों के लिए, मतलब लड़कों के लिए ये हो गया, ये टॉयलेट स्टाफ के लिए हो गया, वो जेंट्स टॉयलेट हो गया ये, और ये स्टेयर्स वगैरह बनवा दी। तो पूरा यहाँ से भी फेंसिंग करते हुए, ये भी बिल्कुल गंदगी थी, चढ़ने का पूरा हो गया। इसके अलावा तो ये 2 बैनर हैं, एक तो मेरा विद्यालय सुरक्षित विद्यालय है जिसमें मीना राजू का ये बैनर है पोस्टर, डिपार्टमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बनाया है, जिसमें बच्चों को किस तरह से अपने आप को कोरोना में बचा के रखना है, मास्क है, हाथ धोना है, किस तरह से दूर दूर बैठना है, ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। और ये स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत बच्चों को पता होना चाहिए कि चाइल्ड हेल्पलाइन के नंबर क्या है, स्कूल में किससे संपर्क करना है, पुलिस के नंबर क्या है, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो कहाँ संपर्क करना है, वो भी इसमें दे रखा है कि क्या बच्चों को करना चाहिए और क्या बच्चों को नहीं करना चाहिए, ये इसमें लिखा हो। इसके अलावा ये वाला जो है, क्योंकि इसकी आप कोटेशन अभी लिखी नहीं है, वो लिख रहे हैं कि अंतरिक्ष एक प्रेरणादायक अवधारणा है जो आपको बड़े सपने देखने की अनुमति देती है। तो यही चीज़ है कि बच्चे यहाँ पर अंतरिक्ष से भी एक प्रेरणा लें, और ये पूरा प्लेनेट जो है सारे जो नौग्रह हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है, ये भी। इसके अलावा ये जो डिजाइन बनाई है ये यहाँ की जो कल्चर है ना उसको देखते हुए इस मांडना वर्क को लिया है, ये पंचायत समिति से आइडिया आया था जी। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया आप देख रहे हो इसको हमने उसी तरह से लिया है कि यहाँ के बच्चे कनेक्ट करें कि हम कहीं अजनबी जगह पर नहीं आ गए जी, स्कूल में वो अपनापन का भी एहसास करें ये। और इसके अलावा अंदर जो हमने बनाया है वो ट्रेन का पूरा एक डिज़ाइन लिया है, क्योंकि बच्चों को बहुत क्यूरियोसिटी रहती है जो चीज़ नहीं देखी हुई। यहाँ पर जो आदिवासी क्षेत्र के बच्चे हैं उन्होंने में से बहुत कम बच्चों ने ट्रेन देखी है, तो हमारे क्लासरूम से आज की तारीख में ट्रेन है उनके ये। इसके अलावा एक ABL रूम भी है, ये वाला कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए है।
ये तीन दीवारें हैं तीन सब्जेक्ट की, इधर कक्षा एक से लेकर दो के जो बच्चे हैं क्लास वन और टू के बच्चों के लिए है उनके लिए किट भी है एबीएल किट, जिसके माध्यम से उनको गतिविधि आधारित शिक्षण करवाया जाता है। ये वाला जो एरिया है विनोद जी, ये वाला पूरा का पूरा खंडर इधर था हमारा। अच्छा। मतलब एक जर्जर रूम था जो गिरने की स्थिति में था, तो हर साल हमको ये लगता था कि भाई ये रूम जो है वो गिर जाएगा, तो हमने इसका ये इसका क्या करें, तो वो रूम उसको लोगों ने एक तरीके से उसको यूटिलाइज करते हुए उसको हमने प्लेन फ्लैट करवा के इस एरिया को हमने इस जगह को एक तरीके से मंच कह लीजिए जो भी है वो हमने इसको किया है। आपको मैंने बाहर बताया था यूथ और इको क्लब, उसी थीम को हमने यहाँ पर लिया है कि जब भी कोई बच्चा यूथ और इको क्लब से संबंधित हम कोई गतिविधि करवाएंगे तो वो इधर करवा देंगे जी, जिसमें आप देख सकते हो कि एक पांचों तत्व जो हैं उनके बारे में इसमें दे रखा है, फायर है, वाटर है, स्काई है, एयर और अर्थ, और इन्हीं पांच ग्रुप्स में हम बच्चों को बांटेंगे। उनसे हर शनिवार को जो भी गतिविधियां हैं स्वच्छता से संबंधित पर्यावरण से संबंधित हैं और इस तरह की जो हैं वो एक्टिविटीज़, तो ये जो एरिया है इसको हम कवर भी करवाएंगे, ये आगे की प्लानिंग है जी। इस तरह से छोटा स्पेस है हमारे पास लेकिन इसको हम व्यवस्थित तरीके से डेवलप करना चाह रहे हैं। और ये कोटेशन लिखवाई है कुछ, इसमें से आइंस्टीन की भी है, मलाला यूसुफ जई की है, गौतम बुद्ध की और अरस्तु की, इस तरह की ये चीज़ें हैं। एक स्कूल जो है वो स्कूल की शेप में, तो जैसे कि कोटड़ा क्षेत्र है और कोटड़ा क्षेत्र में अधिकतर स्कूल ऐसी है, मैंने बहुत सारी स्कूल्स देखे है, अधिकतर तो सारी स्कूल्स में मैं गया हूँ, तो ये जो इतना सारा एक तरह से परिवर्तन हुआ है तो वो आप में अंदर से करने का आया या फिर मतलब आप में कैसे प्रेरणा आई? देखिए स्कूल जो होता है जब एक प्रिंसिपल के तौर पर स्कूल को देखते हैं तो प्रिंसिपल के लिए स्कूल खाली एक कक्षा नहीं होती है, उसके लिए होल सिनेरियो में उसको स्कूल को देखना होता है कि जहाँ पर बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो, यहाँ पर एकेडमिक भी ग्रोथ अच्छी हो बच्चों की, तो एक एटमॉस्फेयर जो है स्कूल का वो होना चाहिए। जब मैं दो साल पहले आया था यहाँ पर स्कूल में, स्कूल नाम की कोई भी चीज़ मेरे को, मैं नहीं कह सकता था कि इसको स्कूल कह सकते हैं, तो हमने उसी दिशा में उसको सोचते हुए प्लानिंग किया, सारे स्टाफ सदस्यों का सहयोग रहा, स्थानीय जन सहयोग भी रहा इसमें, ब्लॉक लेवल के अधिकारियों का भी सहयोग रहा और जो हमको विभागीय जो भी सहायता मिलती है उसका भी हम लोगों ने प्रयोग किया और प्लान करके हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक ऐसे स्कूल को बनाएंगे जिस जहाँ पर बच्चा अपनी खुशी से आए, जहाँ पर आकर अच्छा महसूस करे, तो इसी सोच के साथ हम लोगों ने किया और ये शुरुआत करी है, आगे हम इसको और भी ले जाएंगे क्योंकि अभी मेन जो रिज़ल्ट है वो एकेडमिक तौर पर आएगा कि जब बच्चे यहाँ पर एजुकेशन अच्छी लेकर जाएंगे इस माहौल में, आज उनको माहौल अच्छा देने के हिसाब से हम लोगों ने किया जी। और दूसरा ये कि जैसे पहले जैसे स्कूल दिखती थी तब बच्चों की संख्या या फिर बच्चों का व्यवहार कैसा था और अब? बिल्कुल उसका फ़र्क पड़ा है कि पहले जब बच्चे आते थे तो पहले बच्चों थोड़े कैजुअल अप्रोच के साथ में थे कि उनको ये नहीं था कि स्कूल में आ रहे हैं, उनको ये था कि भाई हाँ एक जगह है जहाँ पर चलते हैं बैठ जाएंगे और आ जाएंगे। आज बच्चे आ रहे हैं तो उन पर हम लोग एक एक बच्चे पर ध्यान देते हैं कि क्लास में जाकर टीचर्स भी हम लोग कि वो यूनिफॉर्म में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, चप्पल भी पहनते हैं कि नहीं पहनते, हाइजीनिक कितना है, तो वो अब खुद उनमें इस चीज़ को आ गया कि हाँ हम स्कूल में आ रहे हैं और हम हमारी ये ड्यूटीज़ हैं और हमको इस तरह से बिहेव करना है, इस दिशा में बच्चों का माइंड सेट होने लगा। ये वाला रूम भी हमने करवाया था, ये बिल्कुल है ना इसमें कोई जाना ही पसंद नहीं करता था। अच्छा। ये था कचरा जी पूरा, जिसमें आज ये हमारे चार शिक्षक बंधु खड़े हुए हैं, इस रूम में कोई आकर खड़ा नहीं होना चाहता था जी। आप बता दो आप लोग इस रूम की क्या स्थिति थी? इस रूम में बिल्कुल एक खंडर था तो रूम्स की हमारे पास कमी थी तो इसकी रिपेयरिंग भी करवा कर आज हमारे कक्षा 8 इधर बैठती है। और मैं आपको कह रहा था कि पीओ स्कूल जो है उनमें जैसे बलबीर जी हैं रोपणी में संस्था प्रधान है तो इन्होंने भी काम अभी शुरू करवाया है, तो इंस्पिरेशन तो मिलती है जब कहीं पर कुछ काम करते हैं। कलर भी था पीछे भी कलर भी था, हमारा सब आ गया प्रिंसिपल कलर सब हो गया है, अच्छी दिखती है पीछे भी हो गया आगे भी हो गया है और बाथरूम की सुविधा हो गई है। स्कूल अभी कैसे लगती है? बहुत अच्छी लगती है, सुंदर दिखने में सुंदर है और कलर भी करवाए, पहले नल नहीं लगवाए थे तो हमें नल पे पानी नहीं मिला, पानी की भी सुविधा हो गई। ये पहले जो स्कूल था ग्राउंड था
बिल्कुल खाली था जी, इसमें जो टाइलें लगाने का काम हुआ इसके बाद, जैसे इस साल 70 में है ना, इस 70 में जो पेंटिंग थी, हर साल होता है पेंट, इस साल कुछ अलग अपडेट पेंट किया एक ट्रेन का, ताकि बच्चों को उत्साह रहे कि हम एक नए स्कूल जा रहे हैं। आपकी चीज़ें चारों चीज़ें जो मान लो इधर की जो भी पेंटिंग की हुई है, ये एक बच्चों को अपने आप को एक स्कूल से जोड़ने के लिए, एक बच्चे जैसे आकर्षित होता है ऐसा माहौल। 25 अगस्त को ज्वाइनिंग हुई मेरी, पहली बार आया यहाँ पे जी, सुबह सुबह आया था मैं मॉर्निंग में, मैंने देख के मतलब थोड़ा मुझे अजीबोगरीब लगा यार, कहाँ आ गया क्योंकि मैंने किस्मत खराब है, लेकिन 5 या 6 महीने में सर ने इस स्कूल की तस्वीर बदल दी, बहुत शानदार बना दिया। अभी सुबह सुबह आते तब लगता है अपन को कि हाँ वास्तव में एक विद्या मंदिर में जा रहे हैं, तो मुझे बहुत सर का जो कार्य बहुत शैली पसंद आई, बहुत मज़ा काम करने का मज़ा आ रहा है मुझे।